हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को प्ले किया है, इसका मतलब आप एक ब्लॉगर हो। गाइस, जब भी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नीच। हमें किस नीच पर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसे में हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है तो हम किसी भी नीच पर अपना ब्लॉग बना लेते हैं। हमें लगता है कि इस नीच पर मैं काम कर सकूँगा तो उस नीच पर हम अपना ब्लॉग बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब आप कोई भी नीच को सेलेक्ट कर लेते हो तो उस पर जब आप पोस्ट लिखना शुरू करते हो, आप 5, 10, 15, 20 पोस्ट लिखते हो, उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि मैं किस टॉपिक पर न्यू पोस्ट लिखूं, किस टाइप का मैं आर्टिकल क्रिएट करूं, किस कीवर्ड पर मैं काम करूं, ये आपको समझ नहीं आता। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ नीचेस बताने वाला हूं जिन पर आप आराम से काम कर सकते हो, और इन पर आर्टिकल लिखने के लिए आपको टॉपिक्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आर्टिकल किस पर लिखूं, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन नीचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा कि इन नीचेस पर कितना ट्रैफिक आपको मिलेगा और आपको किस तरह से इन नीचेस पर काम करना है, और आप इन नीचेस पर काम करके आप अच्छा रेवेन्यू भी बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। सो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं मेन इस वीडियो की टॉपिक पर। तो जैसे आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा है, टॉप 10 नीचेस, यानी कि दोस्तों ये टॉप 10 नीचेस नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में, टॉप 10 ही एक नीच है, सिर्फ एक ही नीच इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप 10 नीचेस आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो टॉप 10 जो है वही एक नीच है दोस्तों। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो लेट मी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आपको टॉप 10 लिस्ट के ऊपर अपना ब्लॉग बनाना है दोस्तों, जैसे कि टॉप 10 हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड, जैसे कि टॉप 10 प्राइम मिनिस्टर्स इन द वर्ल्ड, जैसे आप कुछ भी बना सकते हो। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि किस चीज़ के बारे में लोग सर्च करते होंगे, बस आपको एक एरिया आ जाए और आप उस पर एक आर्टिकल अपना एक पोस्ट लिख सकते हो। तो इस तरह से मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे टॉप 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस, टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स, टॉप 10 हॉलीवुड एक्टर्स, टॉप 10 टॉलीवुड एक्टर्स, कुछ भी आप इस तरह के टॉप 10 लगाकर आपको जो अच्छा लगे आप उस पर पोस्ट लिख सकते हो। और आपको एक ब्लॉग बनाना है, और आर्टिकल्स के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपने आप ही आइडियाज़ मिलते जाएंगे कि हम पोस्ट किस पर लिखें, हम आर्टिकल किस पर लिखें, टॉप 10 ये, टॉप 10 वो, टॉप 10 पता नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस नीच पर ब्लॉग बना लेते हो तो आपके आर्टिकल्स में किस तरह की मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक आर्टिकल लिखा टॉप 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, और आप उन क्रिकेटर्स का नाम आप मेंशन करोगे अपने पोस्ट में, आर्टिकल में, फिर आप उन्हीं नेम्स को आप टैग्स में यूज़ करोगे, कैटेगरी में यूज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, जिस भी क्रिकेटर का वो नाम होगा या भी जिस भी सेलिब्रिटी के बारे में आप लिख रहे हो, जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, वो आपके टैग्स में होंगे, कैटेगरीज में होंगे, आपके आर्टिकल में होंगे। तो जब भी कोई बंदा उस क्रिकेटर या फिर उस एक्टर, उस जिसके भी बारे में आप लिख रहे हो, उस पर भी आप अगर सर्च करते हो, कोई सर्च करता है गूगल में, तो चांसेस है आपका पोस्ट भी वहां पर शो करे, अगर आप थोड़ा बहुत SEO अच्छा कर लेते हैं। तो इस नीच पर ब्लॉग बनाने का ये भी एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और आप इस टॉप 10 की नीच में आप सारी दुनिया में, चाहे आप किसी भी चीज़ पर आप आर्टिकल लिख सकते हो, टॉप 10 फैक्ट्स इन हिंदी, टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड, इस तरह से जो भी आपके मन में आए टॉप 10 लगाकर आप अच्छा एक आर्टिकल लिख सकते हो, टॉप 10 विजिटिंग प्लेस इन द वर्ल्ड, टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया, इस तरह के आप पोस्ट लिख सकते हो। और आप चाहो तो किसी भी कंट्री स्पेसिफिक भी आप ये ब्लॉग बना सकते हो, आप आर्टिकल कोई लिख रहे हो तो किसी भी कंट्री में रैंक भी करा सकते हो। तो आपको जस्ट करना क्या है, आपको एक अच्छा डोमेन लेना होगा, टॉप 10 से रिलेटेड हो, अच्छा डोमेन हो, आप एक डोमेन परचेस कर लीजिए, .com वाला अगर करोगे तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी रैंक करा सकते हो,
कहीं पर से भी आपको ट्रैफिक आ सकता है। अगर आप इंग्लिश में पोस्ट लिखते हो तो आप वर्ल्ड वाइड से ट्रैफिक ले सकते हो। अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, आप हिंदी में लिखते हो तो इंडिया काफ़ी है, इंडिया से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। बस आप जिसके भी बारे में पोस्ट लिख रहे हो, जैसे क्रिकेटर्स हो गए, बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह जो भी हो, बस उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको देना है और जो आप उसमें बता रहे हो, जैसे हाईएस्ट पेड तो वो कितना चार्ज करते हैं अपनी एक मूवी के लिए, वो आपको थोड़ा बहुत लिखना है बस, और ज़्यादा कुछ करना है नहीं इस नीच पर। थोड़ा बहुत SEO आप कर लोगे तो चल जाएगा। तो और अगर आप इस नीच पर 3 से 6 महीने तक अगर आप काम करते हो, मंथली 15 से 20 आर्टिकल्स आप डालते हो, 6 महीने आप काम करते हो, तो दोस्तों आप अच्छी खासी अर्निंग यहां से बना सकते हो। जी हां गाइस, $400 से $500 तो आप इजीली बना सकते हो अगर आप 6 महीने मेहनत करते हो इस नीच पर। तो दोस्तों आपको बस एक अच्छा डोमेन लेना है top 10 से रिलेटेड उसके बाद, और सबसे बड़ी बात इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है और SEO डिफ़िकल्टी भी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस नीच पर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने अच्छे से इस नीच के बारे में आपको बताया होगा। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस नीच से रिलेटेड या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की लिंक होगी, आप मुझे वहां डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों काम करिए इस नीच पर, रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।